तो गाइज मैं अभी सन सिटी के अंदर हूँ और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये सबसे लास्ट में शूट किया हूँ, लेकिन वीडियो के पहले मैं डाला हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो को एक से दो मिनट तक देखते हो फिर स्किप कर जाते हो, इसीलिए मैं सोचा आप कुछ देखे या ना देखे ये वीडियो तो जरूर देखे। तो ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा होगा तो आप लोगों से थोड़ा ज्यादा टाइम मैं चाहता हूँ। हाँ तो बात कुछ ऐसा है कि मुझे हफ्ते में एक दिन मिलता है और उसी दिन मैं निकल पड़ता हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं मैं खुद के लिए निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, फोटोज लेना, एडिट करना, ये सब मुझे अच्छा लगता है। और दूसरा बात ऐसा है कि आप लोग वीडियो को एक से दो मिनट तक देखते हो और स्किप कर देते हो, ठीक है स्किप करो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, अगर आपको बेकार लग रहा है तो वीडियो को जरूर स्किप करो। लेकिन मुझे पता होना चाहिए वीडियो आप क्यों स्किप कर रहे हो, कौन सा पोर्शन आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप अगर नहीं बताएंगे मुझे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सही है ये गलत है। प्लीज़ कमेंट करो, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, बुरा लग रहा है तो डिसलाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि वीडियो कैसा है। और जो लोग बोलते हैं कि मतलब वीडियो में नया क्या है, वही ब्लॉगिंग, वही सेम प्लेसेस जहाँ सभी ने बहुत बार जा चुके हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा आप अगर वीडियो को पूरा देखें तो आपको पता चल जाएगा इसमें नया क्या है। आप पूरा वीडियो देखने के बाद अगर कहेंगे कि इसमें नया कुछ नहीं है तो मैं मान लूँगा इसमें नया कुछ नहीं है। तो एक्चुअली बात कुछ ऐसा है कि ये यार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, इसको शायद लग रहा है कि ये मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा है वीडियोज़ पे, इसको व्यूज़ नहीं मिल रहा है, सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहा है। लेकिन यार तू ये बता, तू वीडियोज़ क्यों बना रहा है, मतलब तू YouTube में क्यों आया है, तू ऐसा सोच पहले, सही है ना। और जो मेरे भाई अभी अभी YouTube ज्वाइन कर रहे हो उनको मैं बता दूं यार, आप पहले सोच लो कि आपको सच में वीडियोस बनाना अच्छा लगता है क्या, सच में आप वो दिखा पाएंगे जो आप दिखाना चाहते हैं। तो पहले आप सोच लो YouTube में आना है कि नहीं, पैसे फेम ये तो मिलेगा ही, लेकिन उसके पहले आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, फोकस रहना होगा, पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है, क्या मैं सही हूँ ना। तूने यार सच में सही बात कहा है, चल फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं बाय। तो गाइस बात तो ये सही कहा है। Hello guys, welcome to my channel. Hope you guys are doing absolutely fine. I am Bhaskar and you are watching the Bhaskar Pictures. So today I am here at Science City और आज थोड़ा वीडियो अलग होगा क्योंकि मैं बहुत सारे कूल सिनेमेटिक शॉर्ट्स भी ले चुका हूँ और साइंस सिटी के बारे में बहुत डिटेल्स में आपको बताएंगे, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए। अगर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो अब क्या है, वीडियो इतना अच्छा होता है कि आप लोग भूल जाते हो लाइक करना, तो पहले से ही लाइक कर दो, ठीक है। बस और देर नहीं करेंगे तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, लेट्स बिगिन। हेलो गाइस, तो क्या हालचाल आप लोगों का, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं साइंस सिटी के एकदम सामने ही खड़ा हूँ और मेरा एक भैया मेरा ब्लॉग देखा था और कहा कि यार तू नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ कर रहे हैं और मैं तेरे साथ ब्लॉग में आना चाहता हूँ। तो वो आ गए हैं मेरे साथ, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि तू नेक्स्ट ब्लॉग साइंस सिटी का कर, तो मैं तेरे साथ आ सकता हूँ। तो मैं कहा ठीक है आप आ जाओ, तो अभी जाएँगे अंदर तो टिकट लेंगे, फिर मिलते हैं। Fight like it.
तो गाइज अभी हम आ चुके हैं डायनामोशन हॉल में। तो इसमें क्या है, 3D थिएटर है, डायनामोशन हॉल है और साइंस ऑन स्पीयर है। तो हम लोग अंदर जाएंगे, फिर देखते हैं क्या क्या है अंदर। गाइज हम इधर जाएंगे तो ये सब देखने मिलेगा और इधर जाएंगे तो ये सब देखने मिलेगा। तो गाइस अभी हम लोग वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन के एकदम सामने खड़ा हूँ और ये मेन बिल्डिंग का ऊपर पोर्शन है। तो हम ऊपर से पूरा एक्वेरियम देख देख के नीचे जाएंगे, तो चलते हैं फिर। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच गए साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल के एकदम सामने। तो अंदर ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया है और एंशियंट इंडिया के बारे में भी है और बहुत सारे राइड्स हैं जो फ्री नहीं है, इसका प्राइस शायद 20-30 ऐसा कुछ होगा। तो चलिए फिर अंदर चलते। तो अभी हम आ चुके हैं आर्ट एक्सप्लोरेशन हॉल के एकदम सामने। तो अंदर क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी कहीं लिखा नहीं है। तो अंदर चलते हैं फिर देखते हैं क्या है अंदर। अभी हम लोग गार्डन एरिया पे आ चुके हैं। साइंस सिटी में लगभग सब कुछ आप लोगों को दिखा चुके हैं और कुछ शोज या फिर राइड्स आप लोगों को नहीं दिखा पाए क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो लेना था, फ़ोटो लेना था। आज मेरे हाथ DSLR लग गया था और मैंने बहुत सारे कूल फोटोज ले चुके हैं। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा और मेरे FB पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम लोग सोचा है कि रोपवे राइड करेंगे, तो उधर ही आप लोगों से मिलते हैं। अगर आप नए हो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो कि वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे बताना जरूर। बस इतना ही, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।